हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे और अभी बज रही है रात की 8:30। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्यों वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को बता दूं, कल थी छठ पूजा और छठ पूजा पे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, सो मैं जिसे अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ अपनी उस वीडियो को शेयर करूं। कल एक तो छठ पूजा थी, ऊपर से हमारे घर पे हमने कीर्तन भी रखा था। वैसे गाइस, हम लोग छठ पूजा नहीं मनाते हैं, बट कई लोगों का ये मानना होता है कि छठ पूजा भले ही हम ना रखें, बट कई लोगों का ये मानना होता है भले ही हम छठ पूजा ना रखें, लेकिन अगर हम उस दिन अपने घर में कीर्तन सत्संग कुछ भी कराएं तो छठी मैया की कृपा घर पे हमेशा बनी रहती है। हमने छठ पूजा के दिन अपने घर पे कीर्तन कराया था, जिसको भी मैंने शूट किया था। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपने घर पे हुए कीर्तन और साथ में छठ पूजा के कुछ, यहाँ पे जो लोग भी छठ पूजा मनाते हैं वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप सभी लोग मेरे फेस को माइंड कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है 8:30 बजी है रात के, तो रात में कोई मेकअप शेकअप करके तो बैठता नहीं है। तो मैंने ऐसे ही वीडियो शूट कर लिया है, तो आप लोग इस चीज को माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कल का दिन कैसा था और कैसे यहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है और हमारे घर में कीर्तन कैसे हुआ। तो आइए देखिए आप लोग और एंजॉय कीजिए। तो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे गए हुए हैं, हमारे घर के ही पास में यहाँ पे एक बहुत बड़ा झोड़ है और यहीं पे मतलब सारे लोग जो छठ पूजा करते हैं, जो भी यहाँ पे आसपास में छठ पूजा करने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सामान, मतलब जो भी इन लोगों का होता है कितना कुछ इनका लगा हुआ है और ये लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब वीडियो में अच्छे से बना नहीं पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो गाइज, अभी बज चुकी है 3:00 और हमारे घर में कीर्तन शुरू होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं हमने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। फिर गाइज, हम लोगों ने जितनी भी मतलब अपनी गली की महिलाओं को, लेडीजों को बोला था कीर्तन के लिए, तो वो थोड़ी लेट नहीं, लेकिन एक दो आंटीज लोग आ गए, तो हम लोग उनके साथ यहाँ पे सुंदरकांड पाठ पढ़ना शुरू कर रहे थे। तो अभी सारी हमारी जितनी भी गली की लेडीजें हैं, जिन्हें भी हमने बुलाया है, वो सारी आ चुकी हैं और अभी हम सब लोग माता रानी के भजन गा रहे हैं। थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को सुना भी लेती हूँ, आप लोग सुन लीजिए कि कैसे हम माता रानी के भजन गा रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने कहा कि सब पे टीका लगा दो, क्योंकि सारी आ चुकी है तो टीका लगा दो सब पे, तो मैं सब पे टीका लगा रही हूँ। वेदर देखिए फ्रेंड्स, वेदर देखिए कैसा होता है, बहुत प्यारा वेदर होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है देख ले। उसके बाद गाइज, मैं कीर्तन से उठ के थोड़ा बाहर आ गई और आप लोग देख सकते हैं क्या नजारा है बाहर। बहुत ही अच्छा वेदर हुआ था, बिल्कुल एकदम से ठंड सी लग रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है अब तो विंटर आने वाले हैं, उस दिन में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। सो यहाँ पे गुड़गांव में एक तो ये पॉल्यूशन से ऐसा मौसम हो रखा है, साथ ही साथ यहाँ जो लोग बोल रहे हैं कि पराली, जिसे पराली बोलते हैं, पराली जला के ये धुआं है, तो पॉल्यूशन और धुआं दोनों मिक्स होके ऐसा गुड़गांव में वेदर हो गया है, जिससे काफ़ी सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है, काफ़ी सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो अगर आप लोग गुड़गांव में हैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुंह पे मास्क लगा के जाएं जहां भी आप लोग जा रहे हो। उसके बाद गाइस, मैं फिर कीर्तन में अंदर आ गई और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जितनी भी गली की लेडीजें हैं, तो इन्होंने एक अच्छा सा भजन गाया, तो बोला चलो थोड़ा नाचते हैं कीर्तन पे, मतलब होता है कीर्तन में नाचना थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा नाच लेती हूँ, आप लोग देखिए मैं किस तरीके से नाच रही हूँ, मुझे डांस सही से नहीं आता है तो ऐसे ही बस। Yeah.
भाई यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं करूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग ऐसे ही इंजॉय कीजिए। यहाँ पे हम मम्मी को उठा रहे थे कि आप भी नाचो थोड़ा, तो मम्मी को देखो आप लोग कैसे सभी लोग उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मम्मी को कहा चलो आप भी थोड़ा नाच लो, माता रानी के दरबार पे अपनी हाजिरी लगा लो। उसके बाद गाइस अब हम लोग आरती करना शुरू कर रहे हैं। गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई ना, आई नो आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस ये थी मेरी कल की वीडियो जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।